राहुल का न्योता 14 दलों का नाश्ता। People who see that the opposition feels the pain of the fuel price. विपक्ष की एकजुटता 2024 का रास्ता। आठ दस दिन से हम सभी लोग, सभी सांसद सदन में एक संघर्ष कर रहे हैं। साथ साथ हैं, हम सरकार को दिखाएंगे दम। गवर्नमेंट हमें डिस्कशन को नहीं दे रही है, ये बराबर नहीं है। एकता में है अनेकता, दावेदार नहीं है कम। लगभग आधा दर्जन प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग दिखाई पड़ रहे हैं विपक्ष में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। राहुल गांधी ने आज विपक्ष के नेताओं को नाश्ता कराया। चाय की चुस्कियों के बीच सरकार को घेरने की रणनीति पर माथापच्ची हुई। चाय नाश्ते वाली इस बैठक में ममता बनर्जी की पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। बार बार ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि विपक्ष एकजुट है, लेकिन राहुल की आज की बैठक में दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी से किसी नेता ने शिरकत नहीं की। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि राहुल नीति में कितना दम, बीएसपी की भी तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर तमाम पार्टियों के सांसद हमारे साथ लाइव चर्चा में जुड़ेंगे हल्ला बोल में। पहले ये रिपोर्ट। सवारी साइकिल की थी, रास्ता संसद का था और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष निकल पड़ा एक साथ नाश्ता करने के बाद सरकार के खिलाफ। क्या जनता भी इस तरह से आपकी काफिले में जुड़ेगी? देखिए, जनता का ही संदेश है कि आज आप ये साइकिल यात्रा देख रही हैं। एक अहंकारी सरकार जिसने अपने गुरूर में पूरे देश का तहस नहस कर दिया। आज राहुल गांधी फ्रंट पे हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान है। अरे क्यों नहीं, देखिए आज कितने सारे ऑपोजिशन सारे लीडर इकट्ठा हो गए हैं राहुल जी की सुबह की ब्रेकफास्ट की दावत पर। और सारे कुल मिला के जितने सारे विपक्षी दल होते आज ये सौगंध खाते हुए ये कहा कि अगले दिन मोदी सरकार के खिलाफ हमारा जंग तेज होगी। साइकिल विरोध से पहले पूरा मजमा बैठा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और तैयार हुई सरकार के खिलाफ रणनीति। As far as the fuel price is concerned, the people of India are struggling. They are struggling with the amount of money they have to pay for their cars. So I thought symbolically, if we go from here to Parliament on cycles, we could have a interesting impact. It would have a media impact as well, and people would see that the opposition feels the pain of the fuel price. सारे नेता पहुंचे, लेकिन बीएसपी और आपको शायद राहुल के ब्रेकफास्ट का सियासी मेन्यू पसंद नहीं आया। आम आदमी पार्टी और मायावती की पार्टी ने राहुल की विपक्षी गोलबंदी से दूरी बना ली। सरकार के खिलाफ लामबंदी वाले सियासी मेन्यू से ऐसी ऊर्जा आई कि सभी नेताओं ने ब्रेकफास्ट के बाद साइकिल से संसद की तरफ कूच कर दिया। मुद्दा था पेट्रोल एलपीजी की बेकाबू कीमतों का विरोध। पक्ष विपक्ष में एक दूसरे के दायित्व पर घमासान छिड़ गया। चाहे पानी लिखी है, कहें की ईंट, कहें का रोड़ा, राहुल गांधी ने टी पार्टी पर कौन बांचोगा? देश के संविधान की रक्षा के लिए, देश के एक लिबर्टी प्राइवेसी इसको जो हिफाजत करने के लिए हम सभी लोग एक होकर इस इश्यू को लड़ना चाहिए। विपक्ष एकजुट भी है और दृढ़ निश्चय रखता है इस देश के प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए और नागरिकों के अधिकारों के। राहुल गांधी जी का जितना एज बढ़ रहा है उतना पूरे क्या बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहे। जो रंगमंच में करना है वो आप संसद में कर रहे हैं, संसद के बाहर भी कर रहे हैं, तो एक नौटंकी जैसा है। संसद चलाने के लिए सबकी तैयारी है, लेकिन संसद में जो मुद्दे रखे गए हैं उस पर चर्चा जिस तरह से होनी चाहिए उस पर कोई सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है। राहुल जी ने और सभी विपक्ष दलों ने तय किया कि हम आज एक साथ मिलेंगे, बात करेंगे, हम सब उसमें से क्या नया कोई रिजल्ट आता है देखेंगे, अच्छी बात है,
हम सब मिल रहे हैं। जब संवैधानिक संसद चल रही है तो समानांतर संसद की क्या जरूरत है? अब आप कल को कहेंगे कि हम समानांतर संविधान चलाएंगे, आप फिर कल को कहेंगे कि हम समानांतर सरकार चलाएंगे। लगभग 16 दलों ने आज इस ब्रेकफास्ट में हिस्सा लिया था। विपक्ष के तमाम नेताओं ने आज इस्लामबंदी के बाद सरकार को घेरा। देश में अगर सत्ता पक्ष को जिम्मेदारी दी है, विपक्ष को भी जिम्मेदारी दी है कि जनता की आवाज उठाते रहें, उन मुद्दों पे उठाएं जिससे जनता जुड़ी है। पेट्रोल प्राइस राइज का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, इकोनॉमी का हो, किसानों के अधिकारों का हो, या इस तरीके की जो जासूसी हो रही थी। नाश्ता हुआ ना? क्या राहुल गांधी ने आप लोग को क्या कहा? राहुल गांधी कुछ नहीं, क्या सबको धन्यवाद दिया? राहुल गांधी ने पेगासस का भी इशू आ गया, ये सब रेज करने के लिए यही प्लेटफॉर्म है, लेकिन गवर्नमेंट हमें डिस्कशन को नहीं दे रही है, ये बराबर नहीं है। और इसलिए राहुल जी जो कह रहे हैं वो बराबर है कि जो इसी सोच के हैं सबने एक साथ आना चाहिए। अपोजिशन चर्चा करनी चाह रही है, सरकार चर्चा करनी नहीं दे रही है, ये सच्चाई है। वो इतना ही कह रहे कि पेगासस पे पहले चर्चा करें, बाकी सारी चर्चा बाद में करेंगे। सवाल तो यह है कि सत्ता के वास्ते विपक्ष का ये नाश्ता है या संसद में कोहराम विराम और कार्य बहाली के लिए, सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए। खबर है कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया कि सरकार ने सत्र के पहले 10 दिनों में 12 बिल औसतन 7 मिनट से भी कम समय में पास कर लिया। बिल पास करा रहे हैं या पापड़ी चाट बना रहे हैं? संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बैठक में इस टिप्पणी को संसद का अपमान बताया है। लोगों के जो पैसा से ये चलता है, लोकसभा और लोकतंत्र, इसका बहुत बड़ा बर्बादी कर रहे हैं। गरीब लोगों के लिए जो कुछ भी अच्छा आगे करना है और काल काल में जो परिवर्तन लाके गरीबों को जीवन में जो बदलाव लाना है उसके लिए जो करना है, दैट विल बी द इंटेंशन ऑफ एनी बिल। मोदी बनाम ऑल इस जंग में लोकतंत्र की मर्यादा पर सब एक दूसरे को घेर रहे हैं। बस जनता का सिर घूम रहा है कि देश हित किसकी स्ट्रेटजी से सद रहा है। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अपराजिता सारंगी सांसद और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ जुड़ गई है। गौरव गोगोई सांसद और प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के आज हमारे साथ शामिल होंगे। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद राज्यसभा से शिवसेना की, तो आज तीन सांसद हमारे साथ चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे लिए चले, विपक्षी एकजुटता में कौन से वो बाधे हैं जरा आपको बता दें। बाधाएं अगर हैं तो क्या है? एसपी बीएसपी कांग्रेस आमने सामने है उत्तर प्रदेशों के चुनावों में, चुनौती ये रहेगी। कांग्रेस आम आदमी पार्टी आमने सामने है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी ने आज भी राहुल गांधी के न्योते से किनारा कर लिया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट सभी आमने सामने है, लेकिन क्या 2024 के लिए लामबंदी हो सकती है? बीजेडी कांग्रेस आमने सामने है ओडिशा में, लेकिन अलग अलग राज्यों में चाहे वो तमिलनाडु हो जहां डीएमके एआईएडीएमके आमने सामने है, क्या मोदी के खिलाफ मोदी को 2024 में हराने के लिए ये तमाम पार्टियां अपनी अपनी जो भी मतभेद है उनको दरकिनार करते हुए एकजुट होंगी? ये बड़ी चुनौती होगी गौरव गोगोई, और इसीलिए सवालों की शुरुआत आपके साथ आज मैं करना चाहती हूं सांसद महोदय। सवाल मेरा ये है कि आज भी बीएसपी और आम आदमी पार्टी इस बैठक से बाहर रहे। सवाल ये है कि जब तक कोई सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं हो सकता तब तक सिर्फ चाय नाश्ते से क्या बात बनेगी? और क्या सरकार को संसद में जवाबदेह बनाना आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, और वो तभी होगा जब संसद चलेगी? गौरव जी, अंजना जी धन्यवाद। आपने स्वयं कहा कि 16 दल एकत्रित हुए और जिसमें से दो दल आज, उन 16 दल के अलावा दो दल नहीं आए, तो संख्या अगर आप देखें तो जो दल एकत्रित हुए उसमें ज्यादा है। बीजेडी एक ऐसा दल है जो हमारे साथ नहीं है, पर जो मांग हमने की है कि पेगासस पर एक जांच हो, आज वो भी वही मांग कर रहा है। मुझे लगता है कि आज का जो सुबह का बैठक वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस बैठक का उद्देश्य, जैसे कि आपने कहा, 2024 का निर्वाचन नहीं, इस बैठक का उद्देश्य ये है कि आज जो गरीब और अमीर के बीच में कोविड के समय पे भी जो दरार और ज्यादा बढ़ गई है उसको कैसे हम अपने देश में कम कर सके। देश आज के बैठक का उद्देश्य यह है कि लोकतंत्र पे जो हमला हो रहा है, जुडिशरी पे जो हमला हो रहा है, मीडिया पे स्वतंत्रता, मीडिया पे जो हमला हो रहा है, इस
इस पे हम राजनीतिक दलों का क्या हमारी भूमिका होनी चाहिए, ये हमारा बैठक का उद्देश्य है। जहाँ तक पार्लियामेंट की बात आती है, तो पार्लियामेंट में अगर आपने स्वयं देखा है कि आज ना सिर्फ इस सत्र पर, इससे पहले के सत्र में भी बिल पारित होते हैं लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जाते। चर्चा जो मूल मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए जैसे पेगासस पे, उससे सरकार भागती है। तो ये आप देखिए, राहुल गांधी का नेतृत्व सबको स्वीकार है, सरकार ने रखा है। गौरव जी, राहुल गांधी का नेतृत्व जितने लोग आए थे सबको स्वीकार है। देखिए राहुल गांधी जी ने न्योता दिया और लोग आए, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। राहुल जी ने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी कि हम सिर्फ अपने एक राजनीतिक रूप से आज ये बैठक नहीं है। आज जब सत्ताधारी सरकार जब हमको नजरअंदाज करती है, तो कहीं ना कहीं हमारे विभिन्न दलों के समर्थकों को, देश के जनता को नजरअंदाज कर रही है, और ये बहुत ही एक अहम मुद्दा है, और इसलिए हमको एकजुट होना है। तो ये संदेश जो राहुल गांधी ने दिया बहुत महत्वपूर्ण था, और विभिन्न दलों ने भी, के नेताओं ने भी अपनी बातें रखते हुए कहा कि आज एकता जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत सफल रहा। ठीक है, एकजुटता का संदेश दिया है। इसके बाद में फौरन प्रियंका जी आपके पास आऊंगी। अपराजिता जी, एकजुटता का संदेश दिया है और कोई आसान बात नहीं है। तमाम इतने सारे दलों के नेता एक साथ पहुंचे राहुल गांधी के बुलावे पर नाश्ते में। आवाज नहीं आ रही। अपराजिता जी, आवाज आ रही है? जी, अब आवाज आ रही। ठीक है, मेरा सवाल आपसे यह है आप कि इतने सारे दल एकत्रित हुए राहुल गांधी के, एक तरह से उन्हीं के बुलावे पर सब पहुंचे, यानी विपक्षी एकजुटता की एक तस्वीर दिखाई गई है। जासूसी कांड पर जांच कराइए, इससे कब तक भागिएगा, ये उनका आह्वान है सीधा। देश का संसद एक पावन स्थल है, और लोकतंत्र का अगर इसे मैं सबसे बड़ा मंदिर कहूं तो गलत नहीं होगा। और इस लोकतंत्र की कार्यकारिता में जिस तरह से विपक्षी दल अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, मुझे लगता है जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, लोकतंत्र की गरिमा पर, संसद की गरिमा पर कुठाराघात है। और मुझे लगता है कि सारे भारतवासी, 130 करोड़ भारतवासी इनके राजनीतिक ड्रामा को देख रहे हैं। मैं पुनरावृत्ति करना चाहती हूं, राजनीतिक ड्रामा, बौखलाया हुआ विपक्ष, मुद्दा विहीन विपक्ष, सामर्थ्य विहीन विपक्ष और नेतृत्व विहीन विपक्ष। मुझे एक बात कह दे, ये जो 14 राजनीतिक दल के लोग आज गए थे, 100 सांसद मौजूद थे, मुझे एक चेहरा बता दें जिसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति प्राप्त हो। ये सारे पीएम इन वेटिंग हैं, एक का नाम कह दें, मुझे लगता है ये हम सब के लिए अच्छा होगा, देशवासियों के लिए अच्छा होगा। देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी के ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स का सवाल है, ये बिल्कुल एक राजनीतिक ड्रामा था। कभी ट्रैक्टर पर संसद तक आते हैं, कभी साइकिल पर संसद तक आते हैं, और साइकिल ट्रैक्टर पर संसद तक आते हैं लेकिन सदन में नहीं जाते। मैं लोकसभा की सांसद भी हूं, उस दिन आए लेकिन संसद के अंदर हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए नहीं आए। और मैं आप सबको बता दूं कि ये राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, और राजनीतिक सार्थकता के लिए इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, एब्सोल्युटली मीनिंगलेस। ठीक है, देखिए प्रियंका जी, ये सब सार्थकता ढूंढने का प्रयास है, ये हमें सबको मानना चाहिए, और ये दिख रहा है, नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि भारतवासियों में बहुत परिपक्वता है, जो देखते हैं, जो दर्शक हैं, में परिपक्वता है। हम चाहते हैं कि मुद्दों पर बातचीत हो, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में जो सब बातें हुई हैं, जो सब मुद्दे उभर कर आए थे, जो जन केंद्रित मुद्दे हैं जिनसे लोगों का जीवन प्रभावित होता है, उन पर बातचीत करें। कोरोना पर हमें प्रश्न करें, किसान पर हमें प्रश्न करें, बढ़ती कीमत पर हमें प्रश्न करें। और आप सब जानते हैं कि इस तरह के हथकंडों से, इस तरह के अमर्यादित व्यवहार की वजह से, इस तरह के डिस्टर्बेंस से, अवरोध से, आज के दिन मैं आपको कह दूं, मैं सांसद हूं इसलिए कह रही हूं, बहुत दुखित हूं कि मैंने भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र का एक भी प्रश्न नहीं पूछा। और आज तक, मुझे आप 30 सेकंड की मोहलत दें, आज तक इतने दिन हो गए, 107 घंटे
के काम होने थे और अभी तक सिर्फ 18 घंटे का काम हुआ है और 133 करोड़ रुपए पब्लिक एक्सचेकर से हमने हमारी क्षति हुई है। मुझे लगता है इसकी भरपाई क्या विपक्ष करेगा, मेरा एक ही प्रश्न। ठीक है प्रियंका जी, तीन बातें जो बड़ी वो कह रही हैं, एक तो राजनीतिक स्टंट कह रही हैं और कह रही है नाश्ता के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, और तीसरा कह रही है आप जनता का पैसा बर्बाद कर रही है, जवाब दीजिए। और मुस्कुरा क्यों रही थी वो भी बताइएगा। तीनों मैं बताती हूँ। मैं मुस्कुरा इसलिए रही थी क्योंकि वो कह रही थी कि संसद की गरिमा रखनी चाहिए। संसद की गरिमा रखने की जिम्मेदारी किसकी है, ये इनसे पूछिए कि 2009 के बाद और 2014 तक संसद की गरिमा को खत्म करने का जो काम हुआ था, 93% पार्टिसिपेशन रेट होता था और परफॉर्मेंस होता था, 46% पे लाया गया, उसको कैसे जस्टिफाई किया गया था। कहा गया था डिस्ट्रप्शन इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। किन मुद्दों पे डिस्ट्रप्शन हुआ आज आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, और आज ही अखबार में आया है कि एक टेलीकॉम कंपनी कह रही है कि प्लीज हम आपको अपनी टेलीकॉम कंपनी हवाले करने को तैयार हैं, और आप प्लीज हमें इतना सारा टैक्स बर्डन किया है, सारी दिक्कतें की हैं देश के लिए, आप वो हमारे जिम्मेदारी हमसे छोड़ दीजिए। चलिए वो बात खत्म इनकी कि इन्होंने कहा कि संसद की गरिमा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इनके हैं, अगर सत्ता पक्ष को जिम्मेदारी दी गई है कि सरकार चलाएं और प्रजातंत्र को संभालें, संविधान को संभालें, तो विपक्ष को भी ये जिम्मेदारी जनता ने चुनकर दी है कि जब जब यहाँ पे संविधान का हनन हो रहा हो या आपके प्रजातंत्र पे आंच आ रही हो तो आप प्रखरता से अपनी आवाज रखें। आज जो सारे एकजुट होकर पार्टीज आई हैं वो अपनी ये जिम्मेदारी समझकर आई हैं कि अब समय है कि हम लोग इन मुद्दों को ध्यान में रखें कि प्रजातंत्र और संविधान सबसे ऊपर है। उन्हें राहुल गांधी जी ने एक बात जरूर कही थी कि हमारे सबके डिफरेंसेस हो सकते हैं पर इस मामले में हमारे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, जो खुद संजय राउत जी ने यह कहा कि महाविकास अगाड़ी ने वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। अब ही बात नेतृत्व की, इन्होंने कहा नेतृत्वहीन है। 2004 मुझे याद है नेतृत्वहीन के ही अंतर्गत ये पूरा आर्ग्यूमेंट हुआ था कि एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी है शाइनिंग इंडिया के साथ और दूसरी तरफ एक अलायंस है जो सोनिया गांधी जी ने इकट्ठा कर लिया है और वो क्या जीत कराएंगे। तो बार बार डिसमिस करना ये अहंकार जताता है ऐसी सरकार का जो सत्ते के नशे में चूर है और जनता की आवाज संसद में नहीं रखने देना चाह रही है। ये कह रही है सारे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। मैं मैडम से कह दूंगी आप लिस्ट ऑफ बिजनेस राज्यसभा का देख लीजिए, आप लोकसभा का देख लीजिए, कौन सा ऐसा चर्चा है जो आपने जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे की। क्या आपने चर्चा की किसान विरोधी एक्ट के बारे में, क्या आपने चर्चा की कोविड मिसमैनेजमेंट के बारे में, क्या आपने चर्चा की वैक्सीनेशन को लेकर, क्या आपने चर्चा की अर्थव्यवस्था को लेकर। आप बार बार देश की जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। और रही बात मैच्योरिटी की, तो इमैच्योर सत्ता पक्ष तो वही होता है जो जनता के खिलाफ काम करता है, और जनता समझ रही है कि कौन संसद की कार्रवाई नहीं होने देना चाह रहा है क्योंकि वो आपके एजेंडा में नहीं है जो जनता की बातें हैं। ठीक है एक बार आप जवाब दीजिएगा प्राजिता जी, उससे पहले जरा गौरव गोगोई जी, वो राजनीतिक स्टंट जो कह रही हैं इसे राहुल गांधी का, वो जरा समझाइए उस पर क्या जवाब होगा आपका। देखिए अल्टीमेटली तो देश की संसद में जो बातें कही जाएंगी वो उसका मतलब होगा। सिर्फ विरोध प्रदर्शन करना, लोगों को एकजुट करना, ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन जवाबदेह तो सरकार देश की संसद में ही बनेगी ना, क्यों नहीं वहां पर एक ऐसी चर्चा हो जिससे कोविड से लेकर हर मुद्दे पर सरकार की पोल खुले। अंजना जी, आपने बीजेपी प्रवक्ता से बहुत एक सीधा सवाल पूछा कि पेगासस के जांच से कब तक भांगेंगे, और उन्होंने लंबा उत्तर दिया सभी मुद्दे के बातें की, पर पेगासस शब्द उनके उत्तर में नहीं मिला। और यही सच्चाई है, आज सदन के अंदर जब हम विभिन्न मुद्दे की मांग करते हैं तो ये जो टीवी कैमरा लगे हुए हैं सदन के उसको वो डाइवर्ट कर देते हैं, माइक्रोफोन हमारे बंद किए जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि लगभग 60% लोगों ने विभिन्न विपक्षी दलों को संसद तक भेजा है, और ये प्रतिनिधिगण अपनी जब बातें रखते हैं, अपने क्षेत्र की बात रखते हैं, प्राइस राइज और पेट्रोल की बात रखते हैं, तो कैमरा हटाया जाता है, माइक्रोफोन बंद किया जाता है। पेगासस जैसा एक मुद्दा जहां पे विभिन्न दुनिया के देशों ने जांच की है, उस जब वो मुद्दा हम पार्लियामेंट के अंदर उठाते हैं तो इन्होंने राहुल गांधी जी के अटेंडेंस की बात की, प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं आते इस मामले में, गृह मंत्री क्यों नहीं आते हैं, स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते हैं कि पेगासस उन्होंने नहीं लिया या लिया है। ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, इसमें आईटी मिनिस्टर, इसमें गृह मंत्री का हम चाहते हैं कि अपनी वो जिम्मेवारी ले।
प्रधानमंत्री इस सरकार के सबसे बड़े मुखिया हैं, वो जिम्मेदारी बड़ी बड़ी सरकारें पूछू बड़ी बड़ी सरकारें हिल गई हैं। कई मुल्क हैं जिन सभी ने जांच के आदेश दे दिए, ये समझ के परे है अपराजिता जी कि जासूसी कांड को आपकी सरकार गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है। देखिए तीन बातें कहना चाहूंगी। कोविड से आप भागते रहते थे मैडम, पहले दोस्तों को मैंने कोविड पर कहते थे कि विपक्ष की सारी खामियां हैं, इनकी राज्यों ने ठीक से काम नहीं किया है। अब रोज बैठ के कहते हैं, कभी आप कहते हैं, कभी संबित जी कहते हैं, कभी गौरव भाटिया कहते हैं कि आप कोविड पर डिस्कशन करो, कोविड पर डिस्कशन करो। सरकार के पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, जरा मुझे मोहलत दें। देखिए सबसे पहली बात है कि अगर हम जब विरोधी बन के बैठे थे और उस समय हमारा दायित्वपूर्ण व्यवहार न होता तो आज हम 303 सांसद लेकर लोकसभा के अंदर न बैठे होते। हम लोगों ने दायित्वपूर्ण व्यवहार किया है, लोगों ने विपक्षी दल के रूप में हमारे कार्य को सराहा है और इसलिए थंपिंग मेजॉरिटी से हमने अपनी सरकार की, इस बात को याद रखें सब लोग। दूसरी बात मैं आपको कह दूं, तीन दिनों से मैंने कल भी प्रियंका जी को एक चैनल पर कहा था, आज भी कहूंगी, आज कल और परसों तीन दिनों से जो लिस्ट ऑफ बिजनेस निकल रहा है उसमें श्री प्रेमचंद्रन जी की तरफ से रूल 193 के अंतर्गत कोविड पर बातचीत करने के लिए हमने समय रखा है, सरकार ने समय रखा है। और मैं समझती हूँ, मैं मानती हूँ कि रूल 193 में आधे घंटे का डिस्कशन दिया जाता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब बात शुरू होगी उसके बाद जब बात निकलेगी तो हो सकता है एक दिन और हम कोविड पर ही चर्चा करें, अगर बातें रह जाएंगी आधे घंटे में हो सकता है बातें पूरी ना हो। तो मेरा यह कहना है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग जो हुई थी उसमें तीन मुद्दे उभर कर आए थे और चयनित किए गए थे। पहला था कोरोना, दूसरा था किसान और तीसरा था बढ़ती कीमत। जन मानस को, जन जीवन को ये सारी बातें, ये सारे मुद्दे क्यों नहीं गौरव गोगोई जी, क्यों नहीं गौरव गोगोई जी, लोग भी चाहते हैं इन पर बातचीत हो। और तीसरी बात मैं अंजना जी, क्यों नहीं अंजना जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को लेके जो बातें हो रही है संसद के अंदर होनी चाहिए, वो सड़क पर ना हो, ध्यान भटकाया जा रहा है। संसद में एडवाइजरी कमेटी में सारे विपक्षी दल ने कहा है वो सड़क पर ना हो, पहले चर्चा हो फिर बाद में कोविड और अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा हो, पर बिजनेस दोबारा आप इन्हें सुना होगा जी, आप मुझे बोलने दें, ठीक है, मैं आ रही हूं, विभिन्न बातें कह रहे लेकिन पेगासस की बात नहीं कर रहे। क्यों ध्यान इस प्रकार से लोगों का जासूसी में देश को अटका दे, अप्रता जी को मैं पूरा सम्मान करता हूं। जरूरत नहीं है सर, दूसरी लहर और दूसरी लहर में अटकती सांसें जो हमने देखी थी, ऑक्सीजन की कमी, वो सब अब महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है आपको? प्रियंका जी मैं आपको, देखिए कल भी उनको एक डिबेट में मैंने कहा था, मैंने कल भी अपराजिता जी को बहुत विनम्रता से एक डिबेट में कहा था और मैं फिर से दोहराऊंगी, भले ही मैं राज्यसभा से हूं पर लोकसभा के रूल्स थोड़े बहुत हमें भी समझ में आते हैं। अंडर सेक्शन 193 ये बात कर रहे हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है जो एक मेंबर लाते हैं और उस पर आधे घंटे की चर्चा होती है। और रूल अगर 195 आप देखेंगे वो कैटेगोरिकली बताता है ना इस पे वोटिंग हो सकती है ना इस पे कोई मोशन पास हो सकता है, इट इज एन इंडिविजुअल रिक्वेस्ट के मैटर ऑफ पब्लिक अर्जेंसी है, आप उसको आधे घंटे के लिए डिस्कस करिए। आप जानते हैं कितने राज्य हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं इस देश में, अगर हम सबको अपनी बात रखनी हो आप हमें एक एक मिनट का भी मौका नहीं देंगे आधे घंटे के डिस्कशन में? तो ये लोगों को पागल बनाना बंद करें सबसे पहली बात। तो यहां पे कोई महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हो रही है, कह रही है अगर चर्चा शुरू होगी तो अगले दिन तक चलेगी, ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में ये प्रावधान है ही नहीं। सबसे पहले मैं उनको फिर से इस बात का एडुकेट करा दूंगी। और रही बात पेगासस की, बार बार कह रही हैं पेगासस सिर्फ जासूसी का मुद्दा नहीं है। मैम मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी, प्रवीण तोगाड़िया जी जो विश्व हिंदू परिषद से हैं उनका नाम भी इस पेगासस लिस्ट में सामने आया है। उन्होंने क्या कहा कि आपने एक इम्पॉर्टेंट स्पाईवेयर खरीदा नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर, आपने लाखों करोड़ों रुपए देश के टैक्स पेयर मनी को आपने खर्च करके वो खरीदा, अगर आपने उस सही तरीके से उसको नेशनल सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया होता तो शायद आज देश में ना पुलवामा हुआ होता ना चाइनीज टेंट लगाकर हमारी टेरिटरी में बैठे होते। पर आपने ये जासूसी किस पे की? विपक्ष पे की, ठीक है। आपने किस पे की? जुडिशरी पे की। आपने किस पे की? इलेक्शन कमीशन वाले लोगों पे की। आपने किस पे की? इंडस्ट्रियलिस्ट पे की। यानी आप जो भी विपक्षी लोग हैं या जो आपके से सवाल पूछते हैं आपने उस पे की। और बस एक 30 सेकंड में आपको बस एक बात कहना चाहूंगी, फ्रांस ने इन्वेस्टिगेशन जब किया उसमें दो जर्नलिस्ट के ऊपर आया है, जब उन्होंने अपनी फोन दिया पता चला कि दो जर्नलिस्ट के ऊपर के फोन्स में ये स्पाईवेयर था,
वो दो जर्नलिस्ट कौन हैं? वो दो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने पूरा रफेल का सच उजागर किया थ्रू देयर जर्नलिज्म। तो इसीलिए तो कहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन की बात आ रही है ये दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। एंड इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू मोर देन अ जासूसी इशू। आई जस्ट वांट टू करेक्ट यू। जल्दी से इस पर जवाब दे दीजिए आप एक अपराजिता जी। नहीं, ब्रेक के पहले बस दो लाइन में जल्दी, उसके बाद से मैं आप ही के साथ शुरू करूंगी। देखिए, ये आरोप तो तभी हटेगा ना जब एक जांच होगी, वरना तो यही कहा जाएगा कि आप लोगों ने ये कराया है, आप लोगों ने ये किया है। इसको तो जिस तरह से पुख्ता तौर पर विपक्ष बोल रहा है वैसे उठाता रहेगा। देखिए, दो बातें कहूंगी इस विषय में, समय ज़्यादा नहीं, जैसा कि आपने कहा। पहली बात कि अभी सर्वोच्च न्यायालय इस पर बातचीत करेगी और सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय देगी, तो मुझे लगता है कि ये सब जुडिस मैटर, इस पर ज़्यादा चर्चा न हो, संसद के अंदर जो हंगामा हो रहा है वो बंद हो, मेरी गुजारिश होगी। और भगवान हमारे विपक्षी दलों को सद्बुद्धि दे, लोग इन्हें देख रहे हैं, लोकप्रियता में ह्रास हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूँ, NSO ग्रुप जो जनक है पेगासस स्पाईवेयर का, उसने कह दिया जब कि 50,000 नंबर संक्रमित नहीं है, ये हम नहीं कहते हैं। दूसरी बात, हमारे जो पाश्चात्य देश हैं वो क्लाइंट है, और जिन देशों का जिक्र किया जा रहा है वो हमारे क्लाइंट भी नहीं है। तो जब जनक ने कह दिया, जब NSO ग्रुप ने कह दिया, तो उनके पास प्रमाण क्या है? प्रमाण लेकर आए, तथ्य और तर्क के साथ बात करे और नॉन इशू को इशू न करे, जैसा कि हमारे मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने कहा है। और जब केंद्र सरकार ने 19 तारीख, जिस दिन मानसून सत्र आरंभ हुआ था, 19 तारीख केंद्र सरकार के मंत्री ने जब अपना वक्तव्य दे दिया लोकसभा में, और उसके बाद राज्यसभा में भी देने की कोशिश की गई और उन्होंने उनके कागज को फाड़ दिया, तो मुझे लगता है, मुझे मजबूरन एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। आप कह रही हैं संचार मंत्री जवाब दे रहे थे, उनके कागज को फाड़ दिया गया, लेकिन NSO की बात को ही अंतिम सच क्यों मान लिया जाए? एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन गौरव गोगोई मैं आपसे भी ये पूछूंगी, प्रियंका चतुर्वेदी बातों को जवाब देंगी जासूसी कांड में जो उठाया है अपराजिता जी ने, आपसे ये पूछूंगी, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं कि राहुल जी को साइकिल सूट नहीं करता, यूपी वाले एग्जांपल से कह रहे होंगे। चर्चा आगे लिए चाय गरम राहुल नीति में दम, चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रियंका जी, आप सवालों का जवाब दीजिए जो वो कह रही हैं। अपराजिता जी का कहना है कि जब संचार मंत्री जवाब दे रहे थे संसद में, तब तो उनका पर्चा फाड़ दिया टीएमसी के सांसद ने। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर लिख देते हैं डेरेक ओब्रायन कि चाट पापड़ी की तरह यहां पर बिल पास हो रहे हैं, ये क्या संसदीय मर्यादा को सूट करता है ये सब बोलना? और तीसरी तरफ कई बार अटकलें लग रही हैं कि सबसे ज्यादा संजय राउत का उन्हें समर्थन मिल रहा है इन बैठकों में, हमेशा उनके आसपास ही रहते हैं राहुल गांधी के। अब वो मैं इस पे टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी कि कौन आसपास बैठे रहते हैं नहीं बैठते हैं, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आर्ग्यू कर सकती हूँ, मैं सरकार से आर्ग्यू कर सकती हूँ, पर मैं इसराइल के NSO स्पाईवेयर बेचने वाले स्पोक्सपर्सन के लिए से नहीं कर सकती हूँ बातचीत, खास करके इसलिए क्योंकि जो IT मिनिस्टर ने लोकसभा में कहा था वो स्टेटमेंट दिया था, वो डिस्कशन नहीं था, कोई डिबेट नहीं था, उन्होंने आकर स्टेटमेंट वो पढ़ा जो NSO ने दिया था। अब मैडम भी यहाँ पे जो बोल रही हैं वो जो NSO की बात है वो NSO की बात रख रही हैं, पर सच्चाई ये है इसराइल सरकार ने खुद ने एक इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप बनाया, उन्होंने NSO के ऑफिसेज में छापे मारे, NSO ऑफिसेज में छापे मारने के बाद जो भी उनके सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सबको होल्ड पे रखा है। सच्चाई ये भी है कि इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री बाकायदा फ्रांस गए और फ्रांस की सरकार से माफी मांग कर आए हैं NSO के ही लेकर। तो NSO अब आपने राज्यसभा पे पेपर फाड़ कर फेंक दिया गया। चलिए, पेपर पहली बार संसद के अंदर नहीं फटा है, बहुत बार पहले भी हो चुका है, ऑपोजिशन ने इस तरीके का काम किया है, पर क्या चेयरमैन ने प्रॉम्प्टली उन पर एक्शन नहीं लिया? क्या प्रॉम्प्टली TMC के वो जो MP थे जिनको रिस्पॉन्सिबल माना गया उनको सस्पेंड नहीं किए गए हैं? तो सस्पेंशन हुआ है, कहीं अगर रूल का उल्लंघन हुआ है उन्होंने भी उसको रिस्पेक्ट किया है, पर आप चर्चा ना करें, आप सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़ दें, वो भी एज अ स्पोक्सपर्सन ऑफ NSO, वो स्वीकार्य नहीं है। और क्रॉस क्वेश्चनिंग तो होगी, अगर सत्ता पक्ष अपनी बात रखेगा तो विपक्ष को भी सवाल पूछने का पूरा पूरा अधिकार है, यही सच्चाई है और यही सत्य है और यही तथ्य है, ये सरकार को जानना जरूरी है, इससे नहीं भाग सकते हैं। ये बार बार पेपर का हवाला देकर बोल देते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है अंजना जी, आप भी जानती हैं हम भी जानते हैं, पर पहली बार जरूर हुआ है कि एक MP को सस्पेंड कर दिया गया इस मुद्दे को लेकर। ठीक है, जो भी रूल्स हैं अप्लाई करने चाहिए, पर ये लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। NSO की बात अंतिम सत्य कैसे हो सकती है? जांच का क्या तात्पर्य फिर किसी भी मुद्दे में? अपराजिता जी, सॉरी, अपराजिता जी से पूछ रही हूँ, अपराजिता जी, जांच का तात्पर्य NSO की बात जो आप कह रही हैं या संचार मंत्री कह रहे हैं वो अंतिम सत्य है?
देखिए मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए हम सब इंतजार करें, पहली बात। दूसरी बात, जो केंद्र सरकार ने अपने वक्तव्य रखे, मैं आपको बता दूं, जिस दिन राज्यसभा में वो कागज फाड़े गए थे, उसके बाद अगर फाड़े नहीं जाते तो उसके बाद राज्यसभा में निश्चित तौर पर चर्चा की जाती, लेकिन इन्होंने वो होने नहीं दिया। और मैं आपको कह दूं कि लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपनी बातों को रखने का, विरोध करने का, लेकिन विरोध की भी एक मर्यादा होती है। डेरे को ब्रायन साहब ने जो पापड़ी चाट की बात कही, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत दुख जाहिर किया, उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया कि लोकतंत्र के मंदिर में एक सांसद इस तरह की बातें भी कर सकते हैं। देखिए जहां तक पेगासस की बात है, मैं कह दूं कि जो केंद्र सरकार का वक्तव्य था उसके दो भाग थे, एक तो एनएसओ का स्टेटमेंट था, और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने सही किया एनएसओ के स्टेटमेंट को रखा, अगर अपना स्टेटमेंट रखते तो इन्हें दुख होता और विश्वास नहीं होता, आशंकाओं से भरे रहते। दूसरा भाग उनका था कि ऐसा नहीं है कि इंटरसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नहीं होता है, लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज अलाउड, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया जाता है, लेकिन उसके कायदे कानून है। यह भी केंद्र सरकार के मंत्री के वक्तव्य में था, उनके स्टेटमेंट में था। और मैं आपको बता दूं, सेक्शन 69 ऑफ आईटी रूल्स आईटी एक्ट 2000 और सेक्शन 52 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंतर्गत, और यहां आईटी रूल्स 2009 भी है, इनके अंतर्गत लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है, ये अलग बात है। और उसमें जो कैबिनेट सचिव होते हैं, जो राज्य के मुख्य शासन सचिव होते हैं, उनकी भूमिका होती है, उनकी अनुमति के बिना इस तरह का इंटरसेप्शन हो ही नहीं सकता है। ठीक, एक छोटा सा रिस्पांस प्रियंका जी, उसके बाद से मैं आ रही बात रखी। और इसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि प्रमाण लाए, अगर प्रमाण सही है तो हम करने के लिए राजी है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने आमंत्रित किया है सारे सांसदों को तीखेदार और धारदार प्रश्न करें, पहले उन्होंने कहा, और हम हर एक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तथ्य तर्क और प्रमाण के साथ आए, तथ्य तर्क और प्रमाण के साथ आए। जल्दी से प्रियंका जी, छोटा सा जवाब, फिर मैं गौरव जी आपके पास आ रही। प्रधानमंत्री जी को ठेस पहुंची तो उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, जनता को जो ठेस पहुंची उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कोई सिस्टम जिम्मेदार है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है। क्या बात रख रही है ये सामने, कहती है अच्छा हुआ एनएसओ का स्टेटमेंट पढ़ा, अपना स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, यानी सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। एनएसओ अगली बार पाकिस्तान अपना स्टेटमेंट दे देगा, ये यहां से पढ़ लेंगी, चाइना का स्टेटमेंट आ जाएगा, डिफेंस मिनिस्टर पढ़ लेंगे, ये क्या तर्क हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बस एक चीज यहां पर कहूंगी, जुवेनाइल जस्टिस बिल है, मरीन एड टू नेविगेशन बिल है, आपका बैंक्रप्सी कोर्ट बिल है, सब कुछ पास हो गया बगैर विपक्ष की राय सुने, बगैर विपक्ष को मौका दिए, उसको आप क्या कहेंगी? या आप डेमोक्रेसी को कहेंगे कि डेमोक्रेसी लागू हो रही है, या आप डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है? पार्लियामेंट को इन्होंने कहा मंदिर समान है, प्रजातंत्र का मंदिर कहा था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आप मंदिर को ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आकर हवाला दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को ठेस पहुंची, जनता को जो ठेस पहुंची उसका कब जवाब देंगे ये, बस मुझे इतना कहना है। ठीक है, एक बार गौरव गोगोई जी बोले, फिर एक साथ जवाब दीजिएगा आप राजिता जी। गौरव गोगोई जी वो बता रहे हैं अपनी तरफ से तमाम तर्क और प्रमाण के साथ आइए, कह रहे मुझे तो भागने के नए तरीके दिख गए। पहले तो बोला कि मुद्दा ये मुद्दा ही नहीं है, तो ये मुद्दा ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आप क्यों रुक रहे हैं? अगर ये मुद्दा ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट भी ये इस मुद्दे को मुद्दा विहीन करके इसको खारिज कर देगा। आप अपनी जो जिम्मेवारी है वो लीजिए, और आप आईटी रूल्स और का गलत क्यों आप पढ़ रहे हैं? आईटी रूल में भी लिखा है कि हैकिंग गैर कानूनी है, वो चाहे सरकार करे या कोई भी एजेंसी करे, और पेगासस इंटरसेप्शन नहीं है। पेगासस का मतलब है कि आपके फोन पे पेगासस सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है, ये हैकिंग है, इसकी कोई कानूनी इसका कोई बुनियाद ही नहीं। और चलो मान भी लिया कि अगर आपकी बात एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आप इंटरसेप्शन कर रहे हैं, तो वही बात जो प्रियंका जी ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इंटरसेप्शन करिए। आप इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल पे की इंटरसेप्ट करके कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं? आप चीफ जस्टिस से जुड़े हुए एक महिला
के फोन पे इंटरसेप्ट करके कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे? आरोप बड़े गंभीर हैं। जम्मू कश्मीर में जो ड्रोन अटैक हो रहे उसको तो आप रोक नहीं पा रहे, चीन जो सीमा पे है उसको तो आप नहीं रोक पा रहे, और विपक्षी दलों का आपने घेर रखा है। विपक्षी दल डरने नहीं वाला है। अंजना जी, बात सिंपल है कि अगर आप ये देखें कि ये सरकार का व्यवहार देखें, इनको जो किसी का वो पेपर फट गया उन उससे लेके उनको बहुत दुख हो रहा है। किसान जो आज आंदोलन कर रहे हैं, कृषि कानून वापस चाहते हैं, उससे उनको दुख नहीं हो रहा है। इन्होंने बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लिए कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिए हैं, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग पे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, उससे उनको दुख नहीं हो रहा है। किसान और कोविड, एक सेकंड सर, मैं आप ही से सवाल पूछूं, किसान और कोविड जैसे मुद्दे की आप आहुति चढ़ाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि जासूसी कांड विपक्ष को ज्यादा परेशान कर रहा है, ये छवि भी तो जा रही है ना विपक्ष की आम आदमी से, किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा, क्योंकि अब तो खुद ही आमंत्रण दे रही है। किसने कल्पना किया था बीजेपी वाले रोज बैठ के कहेंगे कोविड पे चर्चा करो? गौरव जी, अंजना जी, राज्यसभा में इनके मंत्री ने जो कोविड के पे चर्चा से पे उत्तर दिया वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के अभाव से किसी की मृत्यु ही नहीं हुई, फिर बोलते हैं कि नहीं वास्तविक में हमारे पास आंकड़े नहीं है, ये महत्व दे रहे हैं कोविड को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी जी जब उत्तर प्रदेश गए, गंगा के तट पे जो लाशें थे उसको भूल कर बोले कि उत्तर प्रदेश में कोविड मैनेजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, ये है कोविड पे इनकी सक्रियता। जहाँ पे किसान की बात आती है, ये किसान को आज भी जो गाजीपुर में जो किसान वहाँ पे विरोध कर रहे हैं उनसे मिलने कोई जाता नहीं है। ये बात करते हैं पेट्रोल डीजल की, जो आज हमने बात उठाई, आज हमने कांग्रेस के विभिन्न दलों और विपक्षी दलों ने बात उठाई, तो हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने लोकसभा में ये बात रखी कि उनके उत्तर से ये सुनने में आया कि गरीब और मध्यम वर्ग को पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम से कोई राहत नहीं मिलने वाला। अब अपराजिता जी, अंत का वक्त बचाए, जवाब दीजिए। पूरी दुनिया में आज कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाया जा रहा है और भारत में मैं बोलती हूँ सरकार कॉर्पोरेट के टैक्स कम कर रही है और पूरा वजन दे रही है गरीब और मध्यम वर्ग पर। ठीक है, अब जवाब दीजिए अपराजिता जी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अत्यंत लोकप्रिय नेता हैं और लोकप्रिय इसलिए हैं कि वे आम आदमी की नुमाइंदगी करते हैं, आम आदमी के विषय में सोचते हैं और उनकी बातों को रखते हैं। और मैं आपको कह दूं कि लोकतंत्र की गरिमा पर कुठाराघात अगर होता है तो 130 करोड़ लोगों के अरमानों पर भी कुठाराघात होता है, इसे याद रखें। अगर आधा आम आदमी दुखी होगा तो हमारे प्रधानमंत्री दुखी होंगे ही, ठेस इसलिए उन्हें पहुंचती है, प्रियंका जी इसे याद रखें। और जहां तक आम आदमी का सवाल है, जैसा मैंने कहा, जो मुद्दे उनको प्रभावित करते हैं उन पर चर्चा करें, आप तथ्य और तर्क के साथ आए, किसानों की बातचीत करें, कोविड की बातचीत करें, चीजों की कीमत के बारे में बातचीत करें। और वक्तव्य शेष करने से पहले मैं दो लाइन कहना चाहूंगी, रामधारी सिंह दिनकर की दो लाइनें मुझे लगता है बहुत ही रेलिवेंट हैं, बहुत सार्थक हैं। समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। आप तटस्थ ही नहीं है, आप अवरोध भी पैदा कर रहे हैं, आप विकास के रास्ते में राहुल ने नाश्ते पर बुलाया, विपक्ष की तमाम पार्टियां आई हैं, रणनीति सरकार को घेरने की बनी है, फिर साइकिल से संसद भी पहुंचे, लेकिन देश इन तमाम मुद्दों के बीच कहां पर अटका है, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में चर्चा। देखते रहिए आज तक।